हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कॉमर्स वंस अगेन। क्लास 11 के स्टैटिस्टिक्स का हम टॉपिक शुरू किया था, हमने अरिथमेटिक मीन किया। अब आज हम उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक मीडियन को करेंगे। तो मीडियन क्या होता है, क्या कैसे निकाला जाता है, सारे फॉर्मूले विद कैलकुलेशन के साथ मेरे आपको आज क्लास में बताने वाला हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो यह मीडियन, मीडियन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू होती है। सेंट्रल वैल्यू मतलब एक मिडल वैल्यू। अब इसमें मीडियन में हम, जैसे हमने मीन में देखा था, इंडिविजुअल सीरीज भी होती है, डिस्क्रीट सीरीज भी होती है और कंटिन्यू सीरीज भी होती है। यहां पर भी होगा सब कुछ, तीनों सीरीज यहां पर भी होंगी। एक्चुअली पूरे स्टैटिस्टिक्स के अंदर तीन ही सीरीज है, उन तीनों सीरीज के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये मीडियन के अंदर हम जब भी निकालेंगे तो हमारे पास जो इंडिविजुअल सीरीज है वहां पे क्या होता है, वहां पे कुछ नंबर्स दिए होते हैं, नंबर्स दिए होंगे, उसमें आपको एक मिडल टर्म निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर जो मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि ये वाली टर्म। अब मान लो कोई पांच टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको पता है बीच की टर्म क्या होगी, दो इधर है तो बीच की टर्म क्या होगी, ये वाली होगी। ऐसे सात हो तो बीच की टर्म यानी तीन इधर और चौथी टर्म आ जाएगी। तो उसे निकालने का तरीका, पांच टर्म्स हैं तो 5 प्लस 1 6 किया, 6 अपॉन 2 थर्ड, तो थर्ड टर्म यानी कि जो थर्ड टर्म होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम इस तरीके से मीडियन निकालते हैं। पर एक्चुअली क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमारे पास नंबर्स ओड में भी हो सकते हैं और इवन में भी हो सकते हैं। तो उस वक्त अगर हम एन प्लस 1/2 टर्म कर रहे हैं तो वैसे तो ओड, चाहे नंबर्स ओड हो या इवन हो, दोनों के लिए ही हम सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो ऑड होते हैं उनके लिए हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, और अगर n इवन हो तो उसके लिए हम n/2 और n/2+1, ठीक है, ये दोनों टर्म्स को प्लस करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास n इवन है। तो ये दो तरीके हैं आपके पास मीडियन निकालने के। ठीक है, पहले इसी के क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। हम देखो, अगर हम इसको इंडिविजुअल सीरीज से ही क्वेश्चन कर रहे हैं और कोई भी नंबर्स पकड़ लेते हैं, तो उसके लिए आपको चीज बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं, कैसे दे रखे हैं, 27, 29, 15, 18, 30, 35, 17। ठीक है, मान लो ये आपके पास सात टर्म्स हैं। जब भी मीडियन निकालेंगे टर्म्स जितनी मर्जी हो, लेकिन जब तक अगर हम कहें कि इसमें 60 मिडिल टर्म क्या है, तो कोई कहेगा मिडिल टर्म क्या है, इसकी 18 है। पर इसको एक्चुअली 18 ऐसे नहीं देखना, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है इसको असेंडिंग सीरीज में, असेंडिंग ऑर्डर में, कन्वर्ट इंटू असेंडिंग या डिसेंडिंग, किसी भी ऑर्डर में इसको आप कन्वर्ट कर लो, बिना उसके आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। तो असेंडिंग ऑर्डर जब करते हैं तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, 15, देन 17, देन 18, ठीक है, उसके बाद 27 है, 29 है, 30 है और 35 है। अब जब मीडियन निकालते हैं तो मीडियन निकालने के लिए यूज करेंगे हम n+1/2। n इसके अंदर कितना था, यहां पे n जो था वो था 7, तो 7 क्या है, ऑड है, तो हम उसमें जो फॉर्मूला बताया था 7+1/2 यानी 8/2, 8/2 मींस फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म हमारा जो हो गया वो मीडियन हो जाएगा। तो इस केस में हमारा मीडियन हो जाएगा 8/2, फोर्थ मतलब 1, 2, 3, 4, फोर्थ टर्म 27 है, तो 27 इज द आंसर। ठीक है, अगर ये हमारे पास n ऑड है तो, अगर ये n इवन हो जाए यानी कि 8 हो जाए, एक नंबर और बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पकड़ते हैं, अगर n इवन है, इवन आपको जो बताया वो n ऑड है, इफ n इज ऑड तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर n इवन है तो उसमें भी हम नंबर पकड़ लेते हैं, और यहां पे मैं आपको एक्चुअली डायरेक्टली असेंडिंग ऑर्डर कर देता हूं, 15, 18, 20, 30, 40, 42, 50 और 54, मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर करके दे दी। इसमें n कितना है, इसके अंदर n ऑलरेडी 8 है जो कि इवन है,
ठीक है। अब इसके अंदर हम जो सॉल्व करेंगे उसमें मीडियन निकालने के लिए सॉल्व करेंगे जो मैंने फॉर्मूला बताया था, एन बाय टू अर्थ टर्म प्लस एन बाय टू प्लस वन अर्थ टर्म, इन दोनों टर्म को प्लस करके टू से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसके अंदर एन बाय टू मतलब कि अब अगर एट है तो मीडियन निकालने के लिए यूज करेंगे एट बाय टू यानी कि फोर्थ टर्म प्लस एन बाय टू फोर प्लस वन फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म को टू से डिवाइड करना है तो मीडियन आ जाएगा। तो मीडियन निकालने के लिए फोर्थ टर्म क्या है इसके अंदर 30 और फोर्थ फिफ्थ टर्म है 40, तो 30 फोर्थ टर्म और 40 फिफ्थ टर्म दोनों को प्लस किया टू से डिवाइड किया 70/2 और आंसर आ गया आपका 35। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे। अगर n ऑड है तब डायरेक्टली n प्लस 1 बाय 2 कर देंगे, और अगर n इवन है तो आप इसको इस तरीके से n बाय 2 और n बाय 2 प्लस 1। मैं जैसे बताया था कि वो जो n प्लस 1 बाय 2 का फॉर्मुला है उसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, इस वाले में भी सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 8 है तो 8 प्लस 1 9, 9 बाय 2 कितना होता है 4.5 टर्म। ठीक है, अब 4.5 टर्म को करने के लिए क्या करोगे, वही बात है कि इसको फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तब वो सेम चीज आ जाएगी जो मैंने आपको यहां बताई थी। तो अब अगर n बाय 2 और n बाय 2 प्लस 1 इस तरीके से भी कर सकते हो, और n प्लस 1 बाय 2 का डायरेक्ट जो आपका और में फॉर्मूला था उसको भी यूज कर सकते हो, बस जो आपका टर्म आएगा 4.5 आ जाए 3.5 आ जाए कुछ भी आ जाए, तो अगर 4.5 आया है तो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, आपका मीडियन आंसर आ जाएगा जो आपका ये आ चुका है। ठीक है, ये आपका है इसके अंदर इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कैलकुलेट करने का तरीका। सिमिलरली हमारे पास जो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है वो हमारे पास मीडियन का सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, एन प्लस वन बाय टू सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और कंटिन्यूस में अलग करेंगे तो पहले डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैसे निकालते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्या पहचान होती है, यहां पर आपको एक वेरिएबल और एक फ्रीक्वेंसी दी होती है। आपके पास फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल दे रखा है कुछ भी, हम अपनी तरफ से एक वैल्यू ले लेते हैं कि मान लो किसी का किसी के मार्क्स हैं आउट ऑफ 20 कि 16 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 17 मार्क्स वाले, 18 मार्क्स वाले, 19 मार्क्स वाले, 20 मार्क्स वाले। ठीक है, तो ये आपके पास 20 में से मार्क्स आने वाले कुछ बच्चे हैं क्लास के अंदर, कि 20 में से 16 मार्क्स आने वाले टोटल 4 बच्चे हैं, इसमें 6 बच्चे हैं, इसमें 5 बच्चे हैं, ठीक है, और इसमें 3 है, इसमें 2 हैं फॉर एग्जाम्पल। तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 4 और 6 10 और 5 15 और 5 20, टोटल 20 बच्चे हैं। हम जब भी इसके मीडियन निकालेंगे तो सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है यहाँ पर। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना है। जैसे फर्स्ट टर्म 4 है तो 4 लिख देंगे, 4 प्लस 6 करेंगे 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 3 18 और 18 प्लस 2 20। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो आखिरी टर्म फ्रीक्वेंसी के बराबर आनी चाहिए, अगर कोई गलती हो रही है तो ठीक हो जाएगी। अब इसे मीडियन निकालना है तो मीडियन का तरीका मैंने आपको बताया, मीडियन का तरीका वही रहेगा जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यानी कि n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म देखनी है। अब n प्लस इसके अंदर n क्या है, n इसके अंदर है टोटल, ये आपका n 20 है, तो n मतलब 20 प्लस 1 अपॉन 2, तो 21 अपॉन 2 हो गया आपका 10.5th टर्म। अब 10.5th टर्म कहां से आएगी, 10.5th आपको देखना है CF के अंदर, CF देखो 10.5 इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो नीचे वाला नंबर है ना 15, इसके सामने ये जो हमारे पास x है ये वाला, ये हमारा मीडियन कहलाएगा। इसका मतलब मीडियन निकालने के लिए यूज करेंगे हम साइज ऑफ 10.5th टर्म, और 10.5th टर्म का जो आंसर इसमें आ रहा है x जो आ रही है नीचे वाली वैल्यू वो है 18, तो दिस विल बी द आंसर। तो ये आपको डिस्क्रीट सीरीज में आपका अगर आंसर फॉर एग्जाम्पल मीडियन का आंसर यहां पर वैल्यू आ रही होती वो 8.5 या 8.9 कुछ भी आ रही होती, मान लो 8.5 आ रही है तो हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में आता 8.5, अगर इन दोनों के बीच में आता तो इसके सामने का जो नीचे वाले नंबर के सामने का x होता 17, वो हमारा आंसर हो जाता। लेकिन इस केस में क्योंकि 10.5 आ रहा है तो 10 से लेकर 14.9 तक जितने भी नंबर होंगे वो यहीं पर इन दोनों के बीच में आएंगे और वो सब इसके सामने का आंसर आएगा 18। ठीक है, तो ये आपका होता है डिस्क्रीट सीरीज निकालने का एक तरीका, डिस्क्रीट सीरीज से मीडियन निकालने का एक तरीका। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर कंटिन्यूस सीरीज की। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हमारे पास हम मीडियन जो निकालते हैं उसके अंदर हम यूज करते हैं डायरेक्टली n बाय टू।
लेकिन एन बाई टू टर्म निकालने के साथ साथ यहां पर एक्चुअल वैल्यू नहीं निकल पाएगी, तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो करते हैं एल वन प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू इंटरवल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है मीडियन निकालने का कंटिन्यूस सीरीज के अंदर। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, हम देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन पकड़ते हैं, यहां पर आपको क्लास इंटरवल दी होती है, फ्रीक्वेंसी दी होती है। क्लास इंटरवल आपके पास गिवन है, फॉर एग्जांपल 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 एंड 40 टू 50। ठीक है, और यहां पर फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपके पास जितनी मर्जी गिवन हो बड़ी, फॉर एग्जांपल यहां पर गिवन है 20, यहां पर है 25, यहां आपके पास है 32, यहां पर फॉर एग्जांपल दे रखा है 28, ठीक है, और यहां पर दे रखा है 15। ओके, मैंने आपकी ये फ्रीक्वेंसी ले ली। अब यहां पर हम जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था, सिमिलर तरीके से हम यहां पर भी सीएफ निकालेंगे। सीएफ सेम निकालेंगे, आपके पास पहले टोटल देखो कितना आ रहा है, 5 to 7, 7 to 15 और 15 to 20 टोटल आ रहा है 120। इसको भी टोटल चेक करो, सीएफ जैसे पहले निकाला था, यहां 20 का 20 रखा, 20 plus 25 45 हो गया, 45 में 32 ऐड करेंगे तो आएगा 77, 77 में 28 ऐड करेंगे 105, 105 15 ऐड करेंगे 120। ठीक है, अब यहां से हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालने का फॉर्मूला हमारा दिखाया था एन बाई टू इस कंटिन्यू सीरीज के अंदर, ये आपका सी एफ इसके साथ लास्ट फिगर मैच करनी चाहिए। एन बाय टू टर्म जो होगी वो यहां पर यूज करेंगे 120, क्योंकि एन इसके अंदर कितना है 120 है, 120 अपॉन टू जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन किया था, जो कि बन गया 60th टर्म। अब 60th टर्म कहां पे आएगी, वो आएगी इन दोनों के बीच में, जैसे वहां पे देखा था आपने, इसके नीचे की जो सीरीज है ना, ये आपकी मीडियन क्लास है, नीचे वाला नंबर, क्योंकि 60 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो हम यहां लिखेंगे कि मीडियन जो लाई कर रहा है वो लाई कर रहा है क्लास इंटरवल 20 to 30 के बीच में। लेकिन वहां पर देखो, आप डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन किया था तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया था इसके अंदर 18, क्योंकि इसमें कोई इंटरवल नहीं था, यहाँ डायरेक्ट आंसर आया था 18। ठीक है, लेकिन यहां पर आपके पास जो सीरीज आ रही है वो 20 और 30 के बीच में आ रही है, यानी आंसर आपका 20 और 30 में आना चाहिए। वो 20 और 30 में 22 है, 25 है, 27 है, 28.5 है, क्या है हमें नहीं पता। तो यहां पर हम, इसीलिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो हम लगाएंगे इसके अंदर। तो मीडियन का फॉर्मूला एल वन प्लस एन बाई टू माइनस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू इंटरवल। ठीक, अब यहां पर ये वैल्यूज डालनी कैसे है, ये है L1, L1 मतलब लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यानी कि जो हमारे मीडियन जिस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है 20 और 30 के बीच में, उसमें जो नीचे वाला नंबर है, लोअर लिमिट है 20, उसको हम यहां पे लिखेंगे, यानी 20 वाला नंबर जो है ये आपका हो गया लोअर लिमिट। उसके बाद है एन बाय टू, एन बाय टू हमने ऑलरेडी निकाला है इसके अंदर 60। सी एफ, सी एफ क्या करेंगे, हमने जो यहां पर सी एफ में देखा था, इसके जो नीचे वाला नंबर है यानी कि जो 77 है, 77 नहीं लेना आपको, ऊपर पर लेना है। ठीक है, तो एक सेकेंड, आपको ये जो जिसके अंदर मीडियन लाई कर रहा है उसके ऊपर वाला नंबर यहां पे लेना है 45। तो 45 लिखेंगे सी एफ, और जो फ्रीक्वेंसी लेंगे वो इसी क्लास इंटरवल के सामने की मीडियन क्लास की लेंगे। तो सी एफ लेना है इस क्लास के ऊपर वाला नंबर, और एफ लेना है उसी क्लास इंटरवल के सामने वाला नंबर 32, और इसमें इंटरवल जो आपका बीच में जिसमें लाई कर रहा है 20-30 के बीच में इंटरवल है 10 का, तो 10 इसमें यहां पे आ जाएगा। अब ये आ गया आंसर 20 प्लस 60 माइनस 45 हो गया 15, 15 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 32 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास अब आंसर जो आता है वो आता है 20 प्लस 150 अपॉन 32। तो 150 को हम 32 से डिवाइड करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर देखो कैसे आएगा। इसको सॉल्व जब करते हैं, इसको अब 2 से काटो, किसी से भी काटो, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 20 plus 4.69 के अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आपका आंसर आएगा 24.69। तो इसका आंसर जो मीडियन आ गया वो 24.69 आ जाता है, क्योंकि अब ये आंसर आपका 20 और 30 के बीच में आना चाहिए था, तो 20 और 30 के बीच में ही आंसर कहीं ना कहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर आपका करेक्ट है। इसमें एक्चुअल आंसर जब वेरीफाई करेंगे तो 24.6875 आएगा, पर इसको अप्रॉक्सीमेटली 69 हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया टॉपिक। तो ये आपके पास इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, तो अब ये तीनों सीरीज के क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। लेकिन अभी आपको मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं मीडियन का, वो एक और है जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन करेंगे।
अब यहां पर एक क्वेश्चन पकड़ते हैं हम, आपको मार्क्स दे रखे हैं, क्लास इंटरवल दे रखे हैं, वो दे रखे हैं आपको फॉर एग्जाम्पल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, ठीक है। और यहां पर आपके पास कुछ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, और स्टूडेंट्स दे रखे हैं जिसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और फ्रीक्वेंसी यहां पर गिवन है 10, और ये आपकी मिसिंग है 10 टू 20 के सामने। उसके अलावा यहां पर है 25, यहां है 30, ठीक है, उसके बाद फिर ये मिसिंग है और लास्ट में है 10। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपका टोटल एन जो है, एन आपका 100 गिवन है, और साथ साथ जो मीडियन गिवन है, मीडियन आपको क्वेश्चन में 30 गिवन है। ये दो चीजें आपको गिवन है, अब इसके हिसाब से आपको आंसर निकालना है पूरा, ठीक है। अब ये जो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, इसको हम एक को F1 और एक को F2 ट्रीट कर लेते हैं, जो मिसिंग है, और दोनों आपको निकालनी है। तो N 100 गिवन है, मीडियन 30 गिवन है, और आपको कैलकुलेट करनी है दो फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे स्टार्ट करेंगे CF के साथ। ये पता है हमें टोटल हमारे पास 100 है, क्योंकि N ऑलरेडी 100 गिवन है आपका, ठीक है। ये आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं उसी क्वेश्चन का आपको। तो आपके पास पहले लेंगे 10, और ये F1 ऐड करेंगे तो लिखेंगे 10 प्लस F1, उसका 10 में 25 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 35 प्लस F1, 35 में 30 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 65 प्लस F1, 65 में ये ऐड करेंगे तो 65 प्लस F1 प्लस F2, और ये ऐड करेंगे 10 तो 75 प्लस F1 प्लस F2, और टोटल आपके पास 100 आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आपके पास, हम जब इसकी क्वेश्चन को लिखते हैं तो 75 प्लस F1 प्लस F2 जो है वो 100 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये आपके दोनों नंबर बराबर आते हैं। तो आपके पास F1 F2 को सम करके आ गया आपका माइनस करके 25। ये तुम्हारे पास इक्वेशन तैयार हो गई कि F1 F2 प्लस कर 25 है, ये तो पता लग गया, पर कितना F1 है कितना F2 है ये नहीं पता। अब हम क्वेश्चन वैसे स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको जैसे बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर मेरे पास मीडियन क्लास 20-30 के बीच में था, और आंसर मेरा मैंने कहा था कि आपको 20 और 30 के बीच में आना चाहिए, जो आ भी गया था, ठीक है। लेकिन इसीलिए तरीके से यहां पर आपको नहीं पता कि कौन सी सीरीज के अंदर आ रहा है, लेकिन आपको पता है मीडियन 30 है। मीडियन 30 किसके अंदर आएगा, मीडियन 30 जाएगा इनके बीच में आना चाहिए, 30-40 के बीच में, यानी कि आपका जो मीडियन क्लास है वो ये वाली कराएगी। तो हम जब मीडियन गिवन है आपको 30, इसका मतलब जो मीडियन लाई करेगा क्लास इंटरवल 30 से 40 के बीच में, इन दोनों के बीच में, क्योंकि आंसर 30 है। 30 से 40 के बीच में जब हम आंसर निकालेंगे अब हम, तो मीडियन का फॉर्मेट डाल देंगे, ये पता लग गया कि किस बीच में आ रहा है। तो L1 प्लस N/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू इंटरवल, ठीक है। अब इसमें आपको वैल्यूज डालनी है। मीडियन आपको गिवन है 30, लोअर लिमिट मैंने आपको कहा कि मीडियन जिसमें लाई कर रहा है वो कर रहा है 30 से 40 के बीच में, तो लोअर लिमिट इसकी होगी 30, तो 30 हमने यहां लिख दिया। उसके बाद N/2, N हमारा कितना है, N 100 है, तो 100/2 हमारा हो गया 50। और मैंने कहा था कि जिसमें CF कहां से लेते हैं, हम CF लेते हैं जो ऊपर वाला नंबर होता है यहां पर इस CF के अंदर, यानी कि आपको ब्रैकेट में लिखो 35 प्लस F1, और नीचे लिखो F फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसके सामने वाला नंबर जो आपके पास है 30। तो ये कहीं सारे 30 आगे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इंटरवल इसमें अंदर आ रहा है जो गैप है इसका वो है 10, इंटरवल है। अब सॉल्व करेंगे इसको हम, तो इस 30 को इधर ले जाएंगे हम, 30 माइनस 30, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, इधर से आ गया 50 माइनस 35 माइनस F1 अपॉन 30 इंटू 10। अभी 10 यहां से यहां कट जाएगा, तो आपका आंसर आ गया यहां पे 0 = 50 माइनस 35 15 माइनस F1 अपॉन 3। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस F1 बन जाएगा 0, सॉल्व करके तो F1 की वैल्यू होगी आपकी 15, F1 आ गया 15, इसको यहां डाल देंगे हम, इसको यहां डालेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 15 प्लस F2 = 25। इसका मतलब आपके पास जो F2 हो गया वो माइनस करके आ गया 10, तो आपके पास F1 15 और F2 10, ये दो वैल्यूज आपके पास सॉल्व होके आ जाती हैं, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, एक और क्वेश्चन में से फ्रीक्वेंसी करते हैं, फिर इसके बाद हम मोड को शुरू करेंगे। आपका एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको क्लास इंटरवल गिवन है, देखो 0 to 10, 10 to 20, एक सेकेंड, यह है 10 to 30, ठीक है, अलग अलग इंटरवल वाले दे रहा हूं,
30 to 60, 60 to 80 and 80 to 100, ये अलग अलग सेम इंटरवल के क्वेश्चन नहीं है, अनइक्वल क्लास इंटरवल का क्वेश्चन है ये। तो हम इसको बात कर रहे हैं, इसमें अनइक्वल क्लास इंटरवल का क्वेश्चन में आपको मीडियन निकालना है। मीडियन निकालना कि मीडियन गिवन है, इसमें गिवन है कि एन तो 60 है, टोटल आपको एन 60 गिवन है, और साथ साथ मीडियन भी गिवन है आपको 40, ये दो वैल्यूज गिवन है, ठीक है। और आपको फ्रीक्वेंसीज आपको यहाँ पे मिसिंग है, आपको यहाँ दे रखा है F5, यहाँ दे रखा है F1 मिसिंग, यहाँ दे रखा है F2, दो लगातार टर्म्स मिसिंग है इसके अंदर, और ये 802 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसका मतलब आपको F1 और F2 यहाँ पे भी सॉल्व करना है, तो F1 भी कैलकुलेट करना है और F2 भी कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखोगे CF निकालेंगे, पहला नंबर 5 है, 5 में F1 ऐड करेंगे, फिर इसमें F2 ऐड करेंगे, फिर 5 में 8 ऐड करके 13 प्लस F1 प्लस F2, और फिर 2 ऐड करके 15 प्लस F1 प्लस F2, और ये टोटल आपका कितना आ रहा है, देखो ये आपका टोटल दे रखा है ऑलरेडी 60। अब ये 60 से मैच करना चाहिए, इसका मतलब 15 प्लस F1 प्लस F2 की वैल्यू 60 आनी चाहिए। तो सॉल्व करके देखें तो F1 प्लस F2 की वैल्यू आती है माइनस करके 45। तो एक क्वेश्चन बन गई हमारी कि F1 प्लस F2 45 होना चाहिए, लेकिन जैसे मैं बताया था कि आपका आंसर कितना आ रहा है 40, और 40 कहां पे लाई करना चाहिए, इसके बीच में, ठीक है। तो मीडियन 40 होने की वजह से आपका जो मीडियन लाई करेगा, मैं यहां लिखता हूं कि मीडियन लाई करेगा 40 होने की वजह से क्लास इंटरवल 30 से 60 के बीच में, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला डाल देंगे हम, मीडियन का फॉर्मूला बनेगा L1 प्लस एन बाय 2 माइनस CF अपॉन F इंटू इंटरवल। अब मीडियन की जगह लिखेंगे 40, L1 हमारा लोअर क्लास रहेगी, लोअर लिमिट 30, प्लस एन बाय 2 क्योंकि एन 60 है इसके अंदर, तो 60 अपॉन 2 30 माइनस CF के लेंगे इसके ऊपर वाला नंबर, जो कि हो गया 5 प्लस F1। उसके बाद हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है इसके सामने वाली वो है F2, और यहां पर इंटरवल आपका जो गैप है इसके अंदर वो है 30 का। अब सॉल्व करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसमें से माइनस करेंगे 40 माइनस 30, उसको सॉल्व करेंगे 30 माइनस 5 यानी कि 25 माइनस F1 और नीचे F2 इंटू 30, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आपके पास क्या बन गया, देखो 10 है ये, तो 10 इधर लिया और ये 30 इधर जाकर डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है, और ये बन गया आपका 25 माइनस F1 अपॉन F2। इसको यहां से काटते हैं, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका क्या बनेगा, देखो 3 के साथ आएगा 25 माइनस F1 और इधर है 1 F2। अब सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 75 माइनस F1 इज इक्वल टू F2। अब आप दो इक्वेशन बन गई, एक ये बन गई और एक बन गई, आप इसमें से चाहो तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो या फिर ऊपर नीचे करके भी सॉल्व कर सकते हो। ऊपर नीचे सॉल्व करने का मतलब इसमें हो गया कि अगर आपके पास F1 प्लस F2 45 है तो यहां पे एक वैल्यू गलत लिखी है, ये 3F1 है, देखो एक सेकेंड, तो 3 25 75 था, ये 3F1 है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि F2 है और ये उधर ले जाता हूं तो F2 प्लस 3F1 इज इक्वल टू 75, तो 75 हो गया F2 प्लस 3F1 के बराबर। अब F1 प्लस F2 45 है और इधर से हम करते हैं तो इसके नीचे एक इक्वेशन लिख देते हैं कि F2 प्लस 3F1 अगर 75 हो, इसके नीचे ये इक्वेशन लिख देते हैं कि F2 प्लस F1 जो है वो 45 के बराबर है। अब इन दोनों सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, अब F2 में से F2 कट गया 0 और ये 3F1 माइनस F1 होगा 2F1, 2F1 की वैल्यू होगी 75 माइनस 45 मतलब कि 30। अब 2F1 30 आ गया मतलब F1 की वैल्यू होगी 30 अपॉन 2 जो कि हो गया 15, F1 15 आ गया, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, F1 प्लस F2 मीन्स 15 प्लस F2 इज इक्वल टू 45, तो इसका मतलब F2 की वैल्यू होगी 45 माइनस 15 30, ठीक है। तो F1 15 और F2 3, इस तरह से इक्वेशन बनाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको मीडियन के अंदर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज क्वेश्चन और साथ में मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको यहां पर
करके सॉल्व कराएं। ठीक है, तो ये आपके दोनों क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व किए मिसिंग फ्रीक्वेंसी के। तो एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग नहीं, यहां पर दो दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, इसलिए ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, ये आपको मैंने पूरा मीडियन खत्म करा दिया, और अगली क्लास के अंदर आपको मैं मोड कराऊंगा, और तब जाके हम ये सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक हम इसमें खत्म कर सकते हैं आपकी 11th क्लास का। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है, और अगली क्लास के लिए मोड के लिए आप तैयार रहिए, और मैं उसमें आपको जरूर समझाऊंगा मोड के बारे में। तो तब तक स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।